मंथ तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंभे निकल आए। इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर खड़े थे। एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रहकर 30 मार्का होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति? जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पुराना रोग एक बार फिर से उभर रहा है। मित्रों, मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम चल रहा है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। विजयदशमी अभी अभी हमने मनाई है, दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रहकर 30 मार्का होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। और उन्हें राम मंदिर से बड़ी तकलीफ है और इसलिए वो फिर से राम मंदिर को लेकर चुनाव आयोग के पास गए हैं। आगे उन्होंने कहा, पता नहीं कांग्रेस को राम से आपत्ति है या फिर राम मंदिर से आपत्ति है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी न पड़ पा रही। त्रिवेदी ने आगे कहा, कांग्रेस के पास विकास जन कल्याण पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस अक्सर सनातन पर प्रहार करती है। कांग्रेस भारत में विभाजन के आधार पर सत्ता पाना चाहती है। वो कोर्ट की अवहेलना कर कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, लेकिन कोर्ट किसी की जागीर नहीं है, ये उन्हें कौन बताए। और इसलिए कोर्ट ने राम मंदिर केस में राम जन्मभूमि को राम का बताया है, न कि बाबरी मस्जिद का, क्योंकि वहां तो कभी बाबरी मस्जिद था ही नहीं, केवल बाबरी परिसर था। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिसकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। 1961 तक कभी मुस्लिम समाज पक्षकार नहीं बना, लेकिन ये बात ध्यान देने लायक है कि अचानक से 12 साल की मियाद खत्म होने के 11 दिन पहले किसी के उकसावे पर मुस्लिम पक्षकार सामने आते हैं।
वही इंदिरा जी के समय जब खंभे सामने आए तो कोर्ट से खुदाई परिष्टे लगवा दिए गए, लेकिन अटल जी के समय टेक्नोलॉजी के सहारे 2003 में सभी सबूत सामने आ गए। 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। बट टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती है, उसमें 11 दिन रह गए थे। दिसंबर 1961 में पक्षकार किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं होता। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंभे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई अभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई, लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर खड़े होते थे। आगे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा वो इनके ही नेता थे जो वकील का चोला पहनकर राम मंदिर का विरोध करते रहे। हमने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हमने हमेशा कहा कि हम केवल पथ प्रशस्त करते रहे हैं। वहीं जब कार सेवा के समय मध्य प्रदेश की पटवा सरकार थी तो उसने ग्वालियर झांसी रोड पर अस्थायी दीवार बनवा दी ताकि कोई भक्त अयोध्या ना जा सके। इन्हीं के नेता याद करिए श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करें। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेक्ट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम के मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामीर करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा। हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है, हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे जिस समय पटवा जी की सरकार थी। यहां 1990 कार सेवा के समय जब मध्य प्रदेश से कार सेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थाई, और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था जब समस्तीपुर में आडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए, और जब 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।